नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑटोमोबाइल में जितने भी ट्रेड है जैसे कि मैकेनिक, मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, तो इन सभी के टेक्निकल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ इंजन। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है किस प्रकार का इंजन होता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है इनलाइन इंजन, ऑप्शन बी वी इंजन, ऑप्शन सी अपोजिट इंजन, ऑप्शन डी रेडियल इंजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है इनलाइन इंजन होता है, जिसमें कि हमारा पिस्टन जो है ऊपर नीचे की चाल चलता है, इसलिए इसे हम इनलाइन इंजन कहते हैं। तथा हमारे गाड़ियों में जो इनलाइन इंजन का ही प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, इसका भी आप से ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ इंजन, यानी कि जो आपको पिक्चर में दिख रहा है किस प्रकार का इंजन होता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है इनलाइन इंजन, ऑप्शन बी वी इंजन, ऑप्शन सी अपोजिट इंजन, ऑप्शन डी रेडियल इंजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है हमारा वी टाइप का इंजन होता है, जिसमें कि हमारा पिस्टन जो है वो वी शेप में फिट होते हैं तथा इन दोनों के बीच का एंगल जो है 60 डिग्री होता है, इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। तथा आपने वी टाइप का इंजन जो कंप्रेसर में देखा होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ इंजन, यानी कि जो आपको पिक्चर में दिख रहा है किस प्रकार का इंजन होता है। तो आपके ऑप्शन है इनलाइन इंजन, या ऑप्शन बी वी इंजन, या ऑप्शन सी अपोजिट इंजन, या ऑप्शन डी रेडियल इंजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है हमारा अपोजिट इंजन होता है, जिसमें कि हमारा पिस्टन जो है एक दूसरे के विपरीत फिट होता है, यानी कि इसमें हमारा पिस्टन जो है एक दूसरे के विपरीत फिट होता है, इसलिए इसे हम अपोजिट इंजन कहते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ इंजन, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है किस प्रकार का इंजन होता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है इनलाइन इंजन, या ऑप्शन बी वी इंजन, या ऑप्शन सी अपोजिट इंजन, या ऑप्शन डी रेडियल इंजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है हमारा रेडियल इंजन होता है, जिसमें कि हमारा पिस्टन जो है गोलाई में फिट होते हैं, इसलिए इसको जो रेडियल इंजन कहते हैं। तथा हमारे रेडियल इंजन का प्रयोग ज़्यादातर जो एरोप्लेन में किया जाता है, इसका भी आप से ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि TDC से BDC की दूरी को क्या कहा जाता है। तो हमारे इंजन का ये TDC पॉइंट होता है तथा हमारे इंजन का ये VDC पॉइंट होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि TDC से VDC का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है स्ट्रोक, या ऑप्शन बी साइकिल, या ऑप्शन सी पावर, या ऑप्शन डी टॉर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो हमारा TDC होता है तथा BDC होता है, इनके बीच की दूरी को हम स्ट्रोक कहते हैं, तथा बार बार जिस क्रिया को दोहराई जाती है उसे हम साइकिल कहते हैं, क्योंकि बार बार क्रिया जो दोहराई जाती है उसे हम साइकिल कहते हैं, इसका भी आप से ध्यान रखें। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्ट्रोक, ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है किस प्रकार की स्ट्रोक होती है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है कंप्रेशन स्ट्रोक, या ऑप्शन बी पावर स्ट्रोक, या ऑप्शन सी सक्शन स्ट्रोक, या ऑप्शन डी एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है हमारी सक्शन स्ट्रोक होती है, इसमें हमारा जो इनलेट वाल्व आपको दिख रहा है कि ओपन है, तो हमारा इनलेट वाल्व जो हमारे सक्शन स्ट्रोक में ओपन होता है, जिसे कि इनटेक स्ट्रोक भी कहते हैं। तथा आपको एरो भी दिख रहा है, तो इसमें हमारा जो है सिलेंडर के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर एंटर कर रहा है, तथा हमारा जो इनलेट वाल्व भी ओपन है, तो इसलिए इसको हम सक्शन स्ट्रोक कहते हैं। जबकि हमारे जो कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद होते हैं, तथा पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद होते हैं, जबकि हमारे एग्जॉस्ट स्ट्रोक में इनलेट वाल्व बंद होता है तथा हमारा एग्जॉस्ट वाल्व जो ओपन होता है, इसका भी आप से ध्यान रखें। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्ट्रोक, जो आपको दिख रही है ये कौन सी स्ट्रोक होती है। तो आपके ऑप्शन है सक्शन स्ट्रोक, या ऑप्शन बी कंप्रेशन स्ट्रोक, या ऑप्शन सी पावर स्ट्रोक, या ऑप्शन डी एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो आपको दिख रही है हमारी कंप्रेशन स्ट्रोक होती है। तथा कंप्रेशन स्ट्रोक में हमारे दोनों वाल्व जो है बंद होते हैं, और पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद होते हैं। अगर ये पावर स्ट्रोक होती तो उसमें हमारा स्पार्क प्लग जो है चिंगारी देता, परंतु पिक्चर में यहाँ पे जो कोई भी चिंगारी नहीं है, इसलिए ये हमारी कंप्रेशन स्ट्रोक होगी, इसका भी आप से ध्यान रखें। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टार्टिंग सिस्टम, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है कौन सा स्टार्टिंग सिस्टम है। तो आपके ऑप्शन है कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग, या ऑप्शन बी हाइड्रोलिक क्रैंकिंग, या ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल मोटर क्रैंकिंग, या ऑप्शन डी गैसोलीन इंजन स्टार्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर क्रैंकिंग होती है। तथा अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल मोटर क्रैंकिंग में क्या होता है। तो जैसे ही हमारा ड्राइवर जो सेल्फ दबाता है, तो उस टाइम क्या होता है, हमारी बैटरी से
हमारे सेल्फ स्टार्टर को पावर जाती है, तथा उसके बाद हमारा सेल्फ स्टार्टर का पिनियन जो है वो हमारे फ्लाई व्हील के रिंग गियर को घुमाता है, जिससे हमारा इंजन जो है स्टार्ट होता है। तो ये हमारा जो होता है इलेक्ट्रिकली मोटर क्रैंकिंग होता है। तो आपको पिक्चर में दिख रहा है हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक मोटर क्रैंकिंग ऑप्शन सी होता है, इसका आप से ध्यान रखें। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ मार्क एक्स, जो आपको एक्स दिख रहा है इसका क्या नाम होता है। तो जो आपको पिक्चर में दिख रहा है हमारा टू स्ट्रोक इंजन होता है। तो आपके ऑप्शन है कि ये क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है इनटेक पोर्ट, या ऑप्शन बी एग्जॉस्ट पोर्ट, या ऑप्शन सी ट्रांसफर पोर्ट, या ऑप्शन डी इंजेक्शन पोर्ट। तो टू स्ट्रोक इंजन में जो है वो तीन पोर्ट प्रयोग में लाए जाते हैं, एक हमारा इनलेट पोर्ट, फिर हमारा ट्रांसफर पोर्ट और फिर हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट। ये तीन पोर्ट हमारे टू स्ट्रोक इंजन में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जो आपको एक्स दिख रहा है हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, इसमें हमारे टू स्ट्रोक में जली हुई गैसों को बाहर निकाल जाता है। तथा जो आपको पिक्चर में दिख रहा हमारा इनलेट पोर्ट होता है टू स्ट्रोक इंजन में, तथा जो आपको दिख रहा हमारा ट्रांसफर पोर्ट होता है टू स्ट्रोक इंजन में। तो तीन ही पोर्ट हमारे जो है वो टू स्ट्रोक इंजन में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसलिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कि एक्स जो आपको दिख रहा है एग्जॉस्ट पोर्ट होता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के इंजन में इंजन की गति और अधिक दहन का दबाव होता है, यानी कि जो हमारा इंजन होता है उसमें मोर इंजन स्पीड और मोर कंबक्शन प्रेशर किस इंजन में होता है। आपके ऑप्शन है रेडियल इंजन, या ऑप्शन बी वी इंजन, या ऑप्शन सी अपोजिट इंजन, या ऑप्शन डी इनलाइन इंजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो हमारा रेडियल टाइप का इंजन होता है उसमें ज़्यादा स्पीड और अधिक कंबक्शन प्रेशर होता है, तथा हमारे रेडियल इंजन का प्रयोग जो है वो हवाई जहाजों में किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि 60 डिग्री पर सिलेंडर वाला इंजन कौन सा इंजन होता है। तो आपके ऑप्शन है इनलाइन इंजन, या ऑप्शन बी वी इंजन, या ऑप्शन सी अपोजिट इंजन, या ऑप्शन डी रेडियल इंजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।